नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूं। सिग्नेचर ट्यून को सुनते ही रेडियो शिलोन के रसिक श्रोता ये तो समझ ही चुके होंगे कि आज मैं कौन सा प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाला हूं। नए श्रोताओं के लिए बता दूं, ये सिग्नेचर ट्यून थी रेडियो शिलोन के पॉपुलर प्रोग्राम अनोखे बोल की। इस प्रोग्राम में विशेषकर ऐसे गीतों को बजाया जाता था जिनमें कोई अनोखे बोल हों। अनोखे बोल मतलब ऐसे बोल जिनका स्वयं में हिंदी भाषा में अपना कोई अर्थ ना हो, जिन्हें मेरे स्कूल की हिंदी की अध्यापिका ठाकुर मैम निरर्थक बोल कहा करती थी। कई बार ये तुकबंदी के लिए भी गीतों में पाए जाते हैं और कभी किसी मुहावरे में। अनोखे बोल कई बार गीतों को बड़ा कर्णप्रिय बना दिया करते हैं। रेडियो शिलोन की ये प्रथा रही है कि उसके प्रोग्राम्स की सिग्नेचर ट्यून किसी विशेष गाने पर आधारित होती थी। इस प्रोग्राम के सिग्नेचर ट्यून को जिस गीत से लिया गया है उसी से आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। चलिए सुनते हैं ये मधुर गीत। तेरा मेरा जोड़ नहीं, तू तीनी और मैं लंबा, तू घास लेट की लाल टैन और मैं बिजली का खंबा। दुम्बक दुम्बा दुम्बक दुम्बा दुम्बक दुम्बा, तू पत्ता दीवाना मैं शर्मा तू परवाना, हो मेरे दिल की आग बुझा दे लगा के तेरी बम्बा तेरी बम्बा। दुम्बक दुम्बा दुम्बक दुम्बा तारे मुझको याद नाचे तारे मुझको याद, भारत नाचम मणिपुरी तांडव कथक तोड़ा तोड़ा और कथा कली बैले और रंबा संबा। दुम्बक दुम्बा दुम्बक दुम्बा दुम्बक दुम्बा दुम्बक 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 दुम्बा दुम्बक दुम्बा। खाली खाली बातें हैं, झूठी झूठी घाते हैं, झूठी झूठी घाते हैं, झूठी झूठी घाते तेरी झूठी झूठी घाते हैं। काम कुछ ऐसा दिखलाओ के सबको हो अचंबा हो अचंबा। दुम्बक दुम्बा दुम्बक दुम्बा चमक चमक चम चमा चम चनक चनक चम चम्बा। दुम्बक दुम्बा दुम्बक दुम्बा पतला हाल हुआ है, जीना भी जंजाल हुआ है, जीना भी जंजाल हुआ है, जीना भी जंजाल हुआ है। हो हम इतने दिल के रखते हुआ ना कोट, हाय हाय कैसे कहूँ, तभी जब से रोट गया दिल मेरा टूट गया, दिल का चला फूट गया, टोपी गई धोती गई जूता गया फूट गया टूट गया सब कुछ गया, कोई मुझको लूट गया बन गए हम तो गुड़म्बा हो गुड़म्बा। दुम्बक दुम्बा दुम्बक दुम्बा दुम्बक दुम्बा दुम्बक दुम्बा दुम्बक दुम्बा दुम्बक दुम्बा दुम्बक दुम्बा। ये मधुर गीत था 1953 की फिल्म चार चांद का। इस गाने को लिखा था ए करीम साहब ने, जो इस फिल्म के खुद डायरेक्टर भी थे। इस फिल्म के 8 में से 7 गीत आपने खुद लिखे थे,
और इस गीत के संगीतकार थे नौशाद साहब। इस गीत के गायक थे नरगिस और सतीश बत्रा। कुछ लोग बताते हैं कि ये गायिका नरगिस जी नौशाद साहब की ही पहली पत्नी थी। इनके बारे में आपको और मालूमात हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगला जो गीत मैंने चुना है उसमें अनोखे बोल तो कम हैं लेकिन उनका उपयोग बहुत सुहाता है। इस गीत का सिंगर कॉम्बिनेशन भी बहुत रेयर है। इसे गाया है किशोर कुमार, तलत महमूद और जीएम दुर्रानी साहब ने। इनके कॉम्बिनेशन ने बड़ी खूबी से इस गीत में कूट कूट के मस्ती भर दी है। यह गीत है 1951 की फिल्म हमारी शान से। इसे लिखा था अंजुन जयपुरी जी ने और इसका संगीत दिया था चित्रगुप्त साहब ने। चलिए सुनते हैं यह गीत। दमड़ी दमड़ी पैसा पैसा जोड़ जोड़ मर जाते हैं। हाय हाय। अरे इस दुनिया में कंजूसों का माल आज डॉक्टर खाते हैं। इसलिए यारो मजे उड़ा लो दुनिया वालों, दुनिया आनी जानी है, वो दुनिया आनी जानी है। सखी के माल में सबका हिस्सा है, जो आए तो खाए, जो आए तो खाए, ओ बाबू जो आए तो खाए। अरे मूजी का भगवान है पैसा, हाँ दो के चार बनाए, दो के चार बनाए, ओ लाला दो के चार बनाए। अरे दास मलूका कह गए भैया, हाँ क्या कह गए? अरे दास मलूका कह गए भैया माया बैठा पानी है, हो दास मलूका कह गए भैया माया बैठा पानी है। मरे उड़ा लो चकई के चक तुम, मरे उड़ा लो दुनिया वालों, दुनिया आनी जानी है, दुनिया आनी जानी है। अजी समझ सको तो तुम्हें सुनाए, हाँ सुनाओ सुनाओ। अजी आँखों देखा हाल और हंस नहीं बन सकता कौआ, लाख बदल दे चाल, हो दिल भी काला हो। राजा अरे दिल भी काला रंग भी काला उसकी यही निशानी है, दिल भी काला रंग भी काला उसकी यही निशानी है। मरे उड़ा लो चकई के चक दूं, मरे उड़ा लो दुनिया वालों, दुनिया आनी जानी है, दुनिया आनी जानी है। दौलत की लालच में जिसके हो उड़ गए सर के बाल, उड़ गए सर के बाल, बुलाला उड़ गए सर के बाल। अरे काम है उसके पैसे गिनना है, हाँ, नाम है दमड़ी लाल, नाम है दमड़ी लाल, हो राजा नाम है दमड़ी लाल। कहने वाले कहते हैं ये उसकी नई जवानी है, हो हो हो। कहने वाले कहते हैं ये उसकी नई जवानी है। मरे उड़ा लो, मरे उड़ा लो दुनिया वालों, दुनिया आनी जानी है, दुनिया आनी जानी है। मत जब कपड़ा मन पर लकड़ी बाकी राम कहानी है, बाकी राम कहानी है। अगला गीत जो मैंने चुना है उसका डुएट कॉम्बिनेशन हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशंस में से एक है। इस कॉम्बिनेशन को मैं जितनी बार भी सुनता हूँ मुझे वो और सुहाता है। उनके गानों में एक अनूठा ही फ्लो और आकर्षण रहता है। मैं बात कर रहा हूँ गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की और गायिका गीता दत्त जी की। ये फिल्मी संगीत के श्रोताओं का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि ये दोनों गायक बहुत जल्द संसार छोड़कर चले गए। जाने की उनकी चाहे उम्र ना रही हो लेकिन उनके लगभग 150 गानों के अमृत को सबको चखना चाहिए।
उन्होंने कई संगीतकारों के लिए दो गाने गाए। आज के चुने गए गीत के संगीतकार हैं इकबाल कुरैशी साहब और बोल लिखे थे शकील नुमानी साहब ने। आइए सुनते हैं फिल्म पंचायत का यह गीत। अगला गीत मैंने जिस फिल्म से चुना है वह फिल्म मेरी सबसे खोजी जाने वाली फिल्मों की सूची में आती है। इस फिल्म को शेख मुख्तार साहब ने उमर खयाम फिल्म्स के बैनर तले बनाया था, जिसमें उनके साथ बेगम पारा, सप्रू, मुकरी इत्यादि के अलावा एक नई हीरोइन ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। वे थी एक्ट्रेस शम्मी, जिनका वास्तव में नाम नरगिस था। क्योंकि पहले ही इस नाम की मशहूर हीरोइन इंडस्ट्री में थी, इसलिए उन्होंने इसी नाम से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। मजे की बात यह है कि इंडस्ट्री में बाद में इसी नाम का एक हीरो भी आ गया, पर गनीमत है किसी को सेम नेम कन्फ्यूजन नहीं हुआ। इस फिल्म के एक गाने की झलक मुझे किसी ने दिखाई थी, जिससे मुझे लगता है कि यह फिल्म जरूर किसी फिल्म प्रेमी के पास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दरियादिली दिखाते हुए यह फिल्म हमारे साथ कभी जरूर साझा करेंगे। उससे शायद पता लग जाए कि शमशाद बेगम की आवाज में गाया गया यह गीत शम्मी जी पर फिल्माया गया था या बेगम पारा जी पर। आइए सुनते हैं यह गीत, जिसके बोल हैं राजा मेहंदी अली खान साहब के और संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। ¶¶
कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो गीत होते हैं वे हमारे फोक संगीत से प्रेरणा लेकर बने होते हैं और उनके अनोखे बोलों को भी अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। अगला जो गीत मैंने चुना है उसमें ऐसी ही बात है। उसके एक ही बोल से मुझे उत्तर प्रदेश में बिताई बचपन की वो होलियां तुरंत जहन में वापस ले आती हैं और मुझे लगता है कि मैं फिर होली की उन फुहारों में डूब चुका हूँ। सुनिए ये गीत और बताइए इसे कौन साहब गा रहे हैं। Thank you.
चल पिचकारी हमारे गुणी श्रोताओं ने जरूर इस गीत को पहचान लिया होगा। जी हाँ, 1944 की फिल्म ज्वार भाटा के लिए इस गीत को गा रहे थे संगीतकार अनिल बिस्वास साहब खुद। इस गीत में पूरे उत्तर प्रदेश की होलियों के रंग भरने वाले मास्टर लिरिसिस्ट थे पंडित तरेंद्र शर्मा साहब, जिनको मैं शुद्ध हिंदी में लिखने वाले लिरिसिस्ट में अग्रणी मानता हूँ। अगला जो मैंने गीत चुना है उसके गाने वाले हैं मिस नरगिस और संगीतकार निसार बाजमी साहब खुद। बोल थे रजन जी के और ऐसा प्रतीत होता है कि यह 1949 की फिल्म जियो राजा में कई आवाजों में था। इसके दूसरे टैंडम आपके पास हों तो जरूर हमारे साथ साझा कीजिए। क्या ये गायिका वही नरगिस थी जो चार चांद के गीत में थी? सुनिए और कहिए आपको क्या लगता है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए यह एक बहुत नॉलेज देने वाला गीत भी है जो बताता है कि दूध से क्या क्या बन सकता है। चलिए इसे एंजॉय कीजिए। दूध जम कर दही बना और दही पलट कर लस्सी, लस्सी फिर मक्खन बनी और मक्खन खन जल कर घी, पर दो दिल से जले के मक्खन बने न घी। ओ चिपब चिप जल गल क्षमा और पतिंगा, चिपब चिपब चिप बजल गए क्षमा और पतिंगा, चिपब चिपब चिप अमर गए दो एक छुक जी दोनों में तेन था। भूले भट्ट के रस्ते पे भजिए खा, छुपी के अप्पा ने जैसे ही देखा छुपे पे जूते बरसा, भेद भूटा भा। ओ छिपब छिपब छिप बजल गए क्षमा और पतिंगा, छिपब छिपब छिप मर गए दो बेचारे। चीची बाबा चीची बाबा चीची बाबा चीची बाबा क्या हुआ? छुपी के अब्बा ने कुछ दिन सोचा पंच के लोग बुला, किसका सुनाया ताकि उसका चिल्ला पा। लैला मजनू बन गए दोनों घर घर ये मचा, उनके गाने गा। ओ छिपब छिपब छिप बजल गए क्षमा और पतिंगा, छिपब छिपब छिप बमर गए दो बेचारे। सुन कर हर एक मुतपता था दांत में उंगली दबा, दोनों बेचारे शर्म के मारे हाँ। छोटा छोटा पिया छोटी लेमन की दोनों भी लड़के था, एक दूसरे की दिल से याद भुला। ओ छिप
बब्बा छिब्बा छिब्बा बजल गए शमा और पतंगा छिब्बा 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 मर गए दो बेचारे। नरगिस जी ने तो कम गीत गाए, पर फिल्मों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि गायक या गायिका को क्रेडिट ही नहीं मिलता। अगला जो गीत मैंने चुना है उनका नाम भी कहीं नहीं मिलता। ऐसी आवाजों को मैं प्यार से फीमेल वॉइस जी कहा करता हूँ। गीतकोश के फुटनोट्स में कहा गया है कि संभवतः यह फीमेल वॉइस शमशाद बेगम जी की है, पर मुझे सुनकर ऐसा महसूस नहीं होता। इस आवाज को सुनकर मधुबाला जवेरी जी की याद जरूर आती है, पर ऐसा यकीनन कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे लिए तो ये अनाम आवाज फीमेल वॉइस जी ही हैं। यदि आपको मालूम है कि ये सिंगर कौन है तो जरूर कमेंट में बताएं। प्रोग्राम के इस आखिरी गीत को हम सब सुनेंगे फीमेल वॉइस जी और किशोर कुमार साहब की आवाज में। इसे लिखा था पीएल संतोषी साहब ने और इसका संगीत दिया था टैलेंटेड कंपोजर भोला श्रेष्ठा साहब ने। जिस फिल्म से ये गीत लिया गया है वो है 1952 की फिल्म नजरिया, जो गीता बाली, सज्जन और बेगम पारा अभिनीत फिल्म थी। यह फिल्म भी काश सामने आ जाए, इस ख्वाहिश के साथ मुझे अब इजाजत दीजिए और सुनिए इस फिल्म नजरिया का यह गीत। दिल भी मिला, मिली है नजर तो दिल भी मिला, मिला दिल मिला दिल मिला रूपा पापा रूपा पापा रूपा पापा रूपा पापा चाहे पास न आ, चाहे दिल न मिला, चाहे पास न आ, पास न आ, उधरा मुस्कुरा, उधरा मुस्कुरा, उधरा मुस्कुरा, मुस्कुरा मुस्कुरा, उधरा मुस्कुरा, उधरा मुस्कुरा, उधरा मुस्कुरा, मुस्कुरा मुस्कुरा, उधरा मुस्कुरा, उधरा मुस्कुरा, उधरा मुस्कुरा। Bully 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 bully